हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते। किरण किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, किरण किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन। मंचूरियन के लिए हम ली हूँ गाजर, घिसा हुआ गाजर, बंधा गोभी घिसा हुआ, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर और अखरोट का पाउडर। अखरोट तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो चलिए, मंचूरियन का बॉल्स बनाने के लिए घिसा हुआ गाजर सब मैं एक साथ कर लूँगी। यहीं पर मैं बंधा गोभी वाला घिसा हुआ भी मिला लेती हूँ। शिमला मिर्च घिसा हुआ मेही से काटा हुआ सब मैं एक साथ मिला के बॉल्स बनाऊंगी। एक बड़ा प्याज घिसा हुआ इसको भी मैं इसमें डाल लूँगी। ये प्याज ग्रेवी के लिए मैं रखती हूँ। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट है। अब ये अगर अखरोट का ये आटा है इसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। यहीं पर मैं स्वादानुसार 2 चम्मच नमक डालूंगी। अब मैं इसको खूब मिलाऊंगी। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा चावल के आटा, जितना इसमें लगेगा दोस्तों ज़रूरत के अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च स्वाद के अनुसार जैसा आप खाते हो, इसको मैं फिर से मिलाऊंगी। दोस्तों, अब मैं पूरे अच्छी तरह से एकदम सान ली हूँ। अब देखिए, बॉल्स बनने के लिए अब रेडी है। आपको मैं बताते जा रही हूँ। अब इसमें कढ़ाही दिबा दिए है तेल। अब इसमें बॉल्स बना बना के मैं डालती जाऊँगी। आप जैसा चाहे छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में पार्टी है। आज की तरह पार्टी है दोस्तों। तो मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, इसको थोड़ा करारा करारा करके निकालना है। तो इसको धीरे आंच में इसको अंदर तक इसको सीझना रहता है, तब आपका मंचूरियन परफेक्ट होगा। धीमी आंच पर धीरे धीरे इसको अंदर तक एकदम पक जाना चाहिए, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। देखिए, इसी तरह मैं छान लूँगी। फिर मैं डालती हूँ। आपको जैसा मन है छोटा बड़ा आप डाल सकते हैं। गोल गोल करके
शादी में इसी तरह बनता है दोस्तों। ढेर सारा मंचूरियन मैं बना कर देखी हूँ, इसलिए मैं भी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी स्वादिष्ट घर का मंचूरियन बना कर खा कर देखिएगा दोस्तों, होटल का फील कर देगा आपको। मैं पूरा छान के बना के आपको मैं दिखाऊंगी। दिखाइएगा तो सारा बॉल छान के रेडी कर ली हूँ मंचूरियन वाला बॉल। अब इसको मैं ग्रेवी बनाकर, जो बॉल्स छाने थे वही तेल में, यहीं पर मैं प्याज डाल दूंगी। अब मंचूरियन के लिए मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। प्याज को जल में भूनूंगी और लहसुन डाल दूंगी। अब इसको मैं भूनूंगी, तब तक प्याज गलने देती हूँ। यहाँ पर मंचूरियन पाउडर मैं घोल बना लूंगी। तो इसको भी डाल लूंगी, मंचूरियन ज्यादा है। और इसको मैं इस तरह ग्रेवी के लिए घोल बना लूंगी। तब तक प्याज जल रहे हैं, प्याज को मैं ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, हल्का कच्चा टाइप के उजला टाइप के रहेगा। यहाँ पर मैं हरा मिर्ची टमाटर ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, इसको भी मैं भून लेती हूँ। इसको गलने तक इंतजार करूँगी। यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ। टमाटर जल्दी गलेगा, अभी थोड़ा सा मारती हूँ, फिर बाद में डालूंगी। टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा डाली हूँ। एक चम्मच गोलमिर्च पाउडर डाल देती हूँ, इसमें ज़्यादा मसाला डालने का जरूरत नहीं है। एक पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। अब इसको मैं थोड़ा सा उबलाऊंगी। अब मैं डाल देती हूँ मंचूरियन घोल। अब थोड़ा सा सॉस मार दूंगी, टोमेटो सॉस। इसको एकदम मीठा मीठापन पर रहेगा दोस्तों, मंचूरियन मीठापन पर रहता है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहेगा। टमाटर प्याज, अब इसमें हम मंचूरियन खोलेगा तो डालेंगे। दोस्तों अब ग्रेवी खोल चुका है, देखिए पूरा खोल कर रेडी है। अब बॉल्स में डालूंगी, इसमें मंचूरियन डालूंगी। आप भी खा लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा बना है। और बना कर देखिएगा घर में। इसको अच्छा से चला लेती हूँ।
गैस बंद कर दूंगी। अब मेरा मंचूरियन कढ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं। और चलते हैं खाने।